प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया प्रणाम। आपका बैंगन का पौधा तो बड़ा हो गया है, लगता है इसमें फल भी आना शुरू हो गया है। भैया ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक दो गंभीर समस्या है। बैंगन के तने में कीड़े लग जा रहे हैं और कलियां मुरझा रही है। इसका कीमत बाजार में अच्छा कीमत नहीं मिल रहा है, इसका कोई समस्या का हल है? हाँ दीदी मैं समझ गया, आप फल छेदक और तना छेदक कीड़े की बात कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है कि बैंगन के उत्पादन में भी कमी आता है, इसको बेचने में भी समस्या उत्पन्न होती है। बैंगन में इस समस्या का कारण क्या है? हाँ दीदी, बैंगन में फल छेदक और तना छेदक कीड़ा लगने का प्रमुख दो कारण है। एक पहला कारण है कि अप्रैल और मई में तापमान ज़्यादा रहता है, जिस वजह से कीड़े की मैंने प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा जो कारण है कि वो पुरवैया हवा जो चलता है तो उसमें भी जो है कि कीड़ा की संख्या बढ़ जाता है। भैया ये बताइए, इससे बचने का कोई उपाय है क्या? बैंगन के खेत में दिन भर में कम से कम दो बार जो है कि जाकर के घूम करके देखना चाहिए कि पौधे में कोई रोग कीट तो नहीं लगा है। इससे जो है कि जैसे कमजोर पौधा पे कीट ज़्यादा असर करता है। इसके बाद जो है कि खेत में नमी बनाए रखना चाहिए, जैसा कि आपने जो है कि नमी बना करके रखा है। इसके अलावा तीसरा जो बात है कि आप खेत में घास फूस जो जितने जंगल होते हैं उसको साफ करके रखें, जिससे जो है कि कीट का प्रकोप ना होगा। और हाँ एक बात का और ख्याल रखिए, फेरोमोन ट्रैप लगाइए, जिसे हिंदी में गंधपास कहते हैं, इससे जो है कि कीट का प्रकोप कम हो। भैया ये फेरोमोन ट्रैप होता क्या है? तना छेदक एवं फल छेदक कीट से नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक टिकिया लगी होती है, जिस टिकिया में एक विशेष प्रकार का महक होता है, जिससे जिस पे जो है कि नर कीट आकर्षित होकर के उस जाल में फंस जाते हैं और फिर वो निकल नहीं पाते हैं। इससे जो है कि कीट नियंत्रण में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और एक एकड़ खेत के लिए 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। भैया ये सब उपाय करने के बाद भी कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नीम तेल है, तो नीम तेल 3 ml प्रति लीटर पानी और यूरिया 1 g प्रति लीटर पानी का मिश्रण बना करके बैगन पे 7 से 10 दिन के अंतराल पर लगातार अगर आप छिड़काव करते हैं तो बैगन में 70 से 80% कीट पर मैंने कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे कीड़ा नहीं लगेगा। बैगन का पौधा जब रोपाई करते हैं तो ठीक 30 दिन बाद सफ़ेद मक्खी के लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे परिस्थिति के लिए देखिए, डाइफेनथ्यूरोन एक दवा है जो 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इससे जो है कि निजात मिलती है। बैगन के पौधा रोपाई के ठीक 45 दिन बाद इसमें जो है कि कुछ कीट उड़ने वाले और कुछ रस चूसक लगते हैं, जिससे निजात पाने के लिए एक दवा आती है इमीडा क्लोरोपाइड, जो दवा 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इन कीटों से निजात पाते हैं। भैया एक बात, बिना कीड़ा लगे हुए दवा के हम लोग छिड़काव कर देते हैं, इसका बचने का कोई उपाय है क्या? हाँ इसका उपाय है, जैसे मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी किसानों को मैसेज के माध्यम से मिलना चाहिए। जैसे बारिश आने वाली है तो खेतों में सिंचाई नहीं करें, बारिश होने की संभावना है तो ऐसे परिस्थिति में खेत में सिंचाई ना करें, तूफान आने की संभावना है वैसे परिस्थिति में बचाव का उपाय किसान करे, ओला पड़ने की संभावना जब हो तो वैसे परिस्थिति में भी जो है कि किसान अपने फसल की सुरक्षा के लिए उसका उपाय कर सके। आजकल जो है कि समय बहुत तकनीकी रूप से आगे बढ़ गया है और इसके लिए जो है कि बहुत तरह के माध्यम हैं, जैसे डिजिटल माध्यम के तरह से किसानों के पास संदेश भेजा जा रहा है और उस संदेश का लाभ जो है कि किसान लेकर के इन अतिरिक्त खर्चों से बचत कर सकते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? इन तना छेदक एवं फल छेदक कीटों के आक्रमण से बचने के लिए शुरुआत से ही नीम तेल का प्रयोग करना चाहिए और खेत में घास फूस खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है कि तीसरा चीज़, आप जो कि नमी का मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे जो है कि आपको ये कीटों से निजात मिलेगा। और इसका जो है कि नीम तेल का छिड़काव शुरुआत से ही करना चाहिए।
भैया बरसात के टाइम में फफूंद रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे बचने का कोई उपाय है? हाँ दीदी, बरसात के दिनों में फफूंद रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैंकोजेब और कार्बेंडाजाइम दवा है जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। भैया दवा छिड़काव करने का समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दवा छिड़काव करने के लिए मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि साफ बर्तन और साफ पानी में दवा का घोल तैयार करना चाहिए, और दूसरा जो है कि दवा के अच्छे परिणाम लेने के लिए दवा का छिड़काव शाम को 4 बजे के बाद करना चाहिए। ये सब जो बात आज हमें जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बात हम अपने घर में भी जाकर बताएंगे और किसान दीदी को भी ये सब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस जानकारी के लिए। इस जानकारी से हमें भी फायदा मिलेगा और किसान दीदी को भी फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप लोगों का। आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन सब जानकारी को सुना और समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका फायदा उठाएंगे और हमारे किसान दीदी भी इससे लाभान्वित होंगे।